स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 3 की प्लांट किंगडम, और उसके अंदर हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। ये इसका टेरिडोफाइट का जो प्लांट है उसका यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है। अब टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, इनकॉन्स्पिक्यूअस गैमेटोफाइट्स इनमें मिलते हैं। साथ ही साथ इनकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है, स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइड होती है। अब इसे कैसे समझ सकते हैं हम? यहाँ पर स्पोर नहीं बनते, इसमें स्पोर की जगह पर क्या बने, सॉरी यहाँ पर क्या बनेंगे, सीड नहीं बनते, सीड की जगह पर क्या बनते हैं, यहाँ पर स्पोर बनते हैं, स्पोर यहाँ पर बनते हैं। और वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वैस्कुलर यानी कि जिनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं, है ना, वो टिश्यूज़ यहाँ पर अच्छे खासे प्रेजेंट हैं, अच्छे खासे यहाँ पर, यानी कि जो टिश्यूज़ होते हैं ब्रायोफाइट और जो थैलोफाइट है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़े से डेवलप होते हैं, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, इनको बोलते हैं। ये इस टाइप के कुछ टिश्यूज़ होते हैं या वैस्कुलर प्लांट्स इनको हम बोल सकते हैं, ये ऐसे होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ये दोनों कल वाले वीडियो लेक्चर में समझाए थे, अगर किसी को नहीं पता है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो कल का वीडियो लेक्चर आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इनकी, और जो गैमेटोफाइट वाला पार्ट होता है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी कि छुपा हुआ रहता है इनके अंदर। और साथ ही साथ जो स्पोरोफाइट है वो डिवाइड होगा किस में, लीफ, स्टेम और रूट में डिवाइड होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ये यहाँ पर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हो गई और ये क्या है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, नीचे की तरफ यानी कि छुपी हुई होती है, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डिवाइड रहती है स्टेम, रूट एंड लीव्स में, वो डिवाइड होती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कैसा होता है, वैस्कुलर प्लांट है। वैस्कुलर प्लांट जो है वो अभी इसके आगे एक और लाइन आने वाली है, उसमें डिटेल में समझाएंगे। दूसरा, ये कैसे होते हैं, सीडलेस, सीडलेस होते हैं, सीड नहीं बनेंगे तो क्या बन रहे होंगे, यहाँ पर स्पोर्स बन रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसके अंदर कि वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट बट वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स एंड सीड ट्यूब्स आर एब्सेंट, ठीक। अब देखो इसके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ से यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज़ से मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें पता है कि जाइलम जो है हमारा चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, सीड ट्यूब, इनमें डिवाइड होता है, ठीक है। तो जाइलम से क्या होगा, जो वेसल्स से और कंपेनियन सेल्स है ना, इनको एक ही में इंक्लूड कर लिया जाता है। वेसल्स यानी कि जो पतली पतली सी होती हैं इस टाइप से, उन्हें वेसल्स कहते हैं। और साथ ही साथ जब बहुत सारी इस टाइप से एक दूसरे के साथ मिल जाती है, उन्हें कंपेनियन सेल्स कहते हैं। तो फ्लोएम से ये दोनों क्या होंगी, नहीं होती है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। और साथ ही साथ इसमें जो सीव ट्यूब होती हैं, सीव ट्यूब कैसी होती हैं, ऐसे करके यहाँ पर एक सीव लगी हुई होगी, इसके अंदर पोर होंगे, दूसरा इसके बाद फिर यहाँ पर एक जगह बन रही होगी, फिर यहाँ पर ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, इसके अंदर स्पोर होंगे, पोर होंगे, इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद फिर उसके अंदर सीव लग रही होगी, तो उसको हम कहते हैं सीव ट्यूब, तो वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अब जो इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी कि ये वाला पार्ट, ये देख रहे हैं आप, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है कि ये अपने साथ स्पोरेंजिया को रखता है, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, और वो स्पोर कैसे बन रहे होंगे, म्योसिस प्रोसेस के थ्रू। म्योसिस क्या होता है, म्योसिस को बोलते हैं हम रिडक्शन डिवीजन, यानी कि उसके अंदर यहाँ स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया को बनाएंगे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया को बनाएंगे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन रहे होंगे इस तरह से छोटे छोटे, वो स्पोर किसके थ्रू बन रहे होंगे, म्योसिस के थ्रू बन रहे होंगे। म्योसिस क्या है, जिसके अंदर जो नंबर है सेल का नंबर जो हाफ रह जाता है, यानी कि आधा, अगर मान लो चार है तो दो रह जाएगा, दो है तो एक रह जाएगा, तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं म्योसिस, ठीक है। तो वो यहाँ पर हो रहा होगा वो प्रोसेस, और साथ ही साथ स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनेंगे, और स्पोरेंजिया के ऊपर क्या बन जाते हैं, कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस बन जाती हैं, और वो जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, यानी कि छोटी छोटी सी लीव्स वहाँ से निकल आती हैं, उसको हम स्पोरोफिल्स उसको हम बोलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि सेलेजिनेला है ना, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, इनके ऊपर कुछ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यानी कि ये पूरी प्लांट का मेन एक्सिस है,
यहाँ पर ऊपर इस तरह से इसके ऊपर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इनको हम स्ट्रोबिली या फिर हम इनको स्ट्रोबिली या फिर क्या बोलेंगे हम कोन, इनको हम बोलते हैं कोन, यहाँ फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें कि जो स्पोरेंजिया हैं, ये अभी मैंने बता दिया, ये पहले ही बता दिया मैंने, ये वाला पॉइंट जो है कि स्पोरेंजिया, अब यहाँ पर जो स्पोरेंजिया बने थे उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर मदर सेल से, मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी और वहाँ पर स्पोर बन जाते हैं, और ये जो स्पोर हैं वहाँ से स्पोरेंजिया से लिबरेट हो जाएंगे, ये लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दी थी है ना, लिबरेट हो जाएंगे, और लिबरेट होने के बाद क्या होंगे, जो स्पोर हैं वो क्या बनाएंगे, एक मल्टी सेलुलर थैलॉइड बॉडी को बना देंगे। थैलॉइड बॉडी यानी कि जिसमें हम क्लियरली डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं स्टेम क्या है, रूट क्या है, और उसके जो लीव्स हैं उनको हम नहीं बता पाते हैं, तो क्लियरली डिफ्रेंशिएशन जहाँ नहीं शो होता है, तो स्टार्टिंग में स्पोर से क्या बनेगी, थैलॉइड बॉडी बन जाती है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय थैलॉइड बॉडी बन जाती है, और ये जो थैलॉइड बॉडी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में बनी हुई है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, तो प्रारंभ में बनी हुई जो थैलस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर की जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट यानी कि देखो ये नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नीचे वाला, यहाँ गैमेटोफाइट दिख रहा है ये। अब इस गैमेटोफाइट में क्या होगा कि यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, जो मेल और मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथीरिडिया बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया। ठीक, अब फीमेल और मेल गैमिट्स जो बन रहे हैं उनका फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब वहाँ पर वाटर होगा, अगर कहीं वाटर अवेलेबल नहीं है तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर है, वाटर रिक्वायर है। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि टेरिडोफाइट के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स बनते हैं जो सिमिलर काइंड के होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी कि एक जैसे स्पोर हैं तो उनको हम कहेंगे होमोस्पोरस, वो इसके अंदर बनेंगे। लेकिन सेलेजिनेला और साल्विनिया ये कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं इनके अंदर स्पोर बनते हैं, बट स्पोर कैसे होते हैं, ऑफ टू काइंड्स, यानी कि दो तरह के इसके अंदर स्पोर बन जाते हैं, जैसे कि हेटरोस, और उनको हम बोलेंगे हेटरोस्पोरस। इनके अंदर डिफरेंट यानी कि दो टाइप के इनके अंदर स्पोर बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे हेटरोस्पोरस, अलग अलग टाइप के इसलिए हेटरोस्पोरस कहेंगे। बड़े वाले स्पोर को हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर, जो कि आगे जाकर किसे बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, और जो छोटा वाला जहाँ लिखा है स्मॉलर माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर वो आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट को बना देगा। ठीक, तो ये अब यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग ये जो टेरिडोफाइट है इसको भी आगे चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है चार पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है यहाँ पर साइलोटम, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम, और लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है लाइकोप्सिडा, इसका है लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा इसका एग्जाम्पल है इक्विसीटम, और नेक्स्ट है इसमें फाइलेकोप्सिडा, इसको हम कहेंगे टेरिस और एडेंटम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस टेरिडोफाइट को फोर पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, फाइलेकोप्सिडा, ये इनके नीचे प्लांट्स के नेम दे रखे हैं जो बॉटनिकल नेम है, इनके कॉमन नेम नहीं है ये। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है, नेक्स्ट है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म को समझाया गया है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर, ओवरी वॉल में एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। ओवरी वॉल हम देखते हैं, ओवरी जब हम किसी का टीएस कट करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ओव्यूल्स देखते हैं, तो ये जो हैं इनमें क्या होगा कि ओवरी वॉल के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो एनक्लोज्ड नहीं होते, उनके अंदर नहीं होंगे, ओवरी है और ओवरी के अंदर क्या होते हैं इस तरह से इसमें ओव्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पर ये एनक्लोज नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद ये कैसे रहते हैं, रिमेन एक्सपोज्ड, ये बाहर की तरफ यानी कि एक्सपोज्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, वुडी होते हैं यानी कि लकड़ी देने वाले ऑलमोस्ट ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये आगे जाकर या तो बसेस या फिर ट्रीज़ को फॉर्म कर देते हैं। और साथ ही साथ इनके अंदर क्या होगा कि इनमें ना कुछ बहुत बड़े पौधे भी होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और बहुत छोटे पौधे भी होते हैं। जो बड़े पौधे होते हैं जैसे कि सबसे बड़ा पौधा जो है इसका वो है सिकोया सेम्परवायरेंस, सेम्परवायरेंस, ठीक है, सिकोया सेम्परवायरेंस इसका लार्जेस्ट ट्री है, और जो स्मॉलेस्ट प्लांट है इसके अंदर वो जामिया पिग्मिया ये इसका स्मॉलेस्ट प्लांट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन को याद रखिएगा कि लार्जेस्ट ये है और स्मॉलेस्ट ये है। ठीक है,
ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टेम में भी अनब्रांच्ड जैसे कि साइकस में होता है। अनब्रांच्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे ये स्टेम बना हुआ है और स्टेम से डायरेक्ट इस टाइप से कंपाउंड लीव्स निकल रही हैं ऐसे करके, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अनब्रांच्ड जैसे कि साइकस में होता है। और ब्रांच्ड, ब्रांच तो आपको पता है नॉर्मल, जैसे कि ये ट्री है, यहाँ से एक ब्रांच निकली, यहाँ से निकली, ये ब्रांच निकली और इसके ऊपर फिर लीव्स आ गई, तो ये इनको कहते हैं, इनको बोलेंगे हम ब्रांच्ड, जैसे कि पाइनस के अंदर होता है, ठीक। इनके अंदर जो रूट बनती हैं वो कैसी बनती हैं, टैप रूट बनती हैं। टैप रूट यानी कि ऐसे जो लंबाई में सॉइल के अंदर मिट्टी में जो लंबाई में ग्रोथ करती जाती हैं इस तरह से, उनको हम कहते हैं टैप रूट। और अगर रूट इस टाइप की हैं, ऐसे बिखरी हुई रूट हैं, तो इनको कहेंगे हम, इनको बोला जाता है एडवेंशियस रूट्स, इनको हम बोलते हैं, यानी कि या फिर नहीं फाइब्रस रूट्स इनको कहते हैं, एडवेंशियस रूट नहीं, फाइब्रस रूट इन्हें बोलेंगे अगर इस तरह से झुग्गे में हैं। और अगर सिर्फ लंबाई में बढ़ रही हैं उनको हम कहेंगे टैप रूट। साथ ही साथ जो इनकी लीव्स होती हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी साइकस का ट्री बनाकर दिखाया, इसमें साइकस में क्या होता है कि साइकस के अंदर जो ट्री हैं वो कैसे, जो ब्रांचेज होती हैं उनमें ब्रांच जो डायरेक्ट अपने साथ उनको रखती हैं, रूट्स को, सॉरी उनको लीव्स को रखती हैं, ठीक है। और दूसरा हम इसको सिंपली कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंगो के ऊपर जो लीव्स आती हैं वो कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं, ऐसी लीव्स होती हैं। अगर आप उसकी बात करें एज अ डायरेक्टा इंडिका यानी कि मार्गोसा ट्री यानी कि नीम की अगर हम बात करें, तो नीम में हम देखते हैं कि ऐसे करके लीफ वो एक तो मेन रैकेस होगी, यहाँ से एक लीफ निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, फिर यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, इस तरह से लीव्स निकल रही हैं, और फिर वो यहाँ पर एक और मेन ब्रांच होगी, फिर यहाँ से लीव्स निकल रही हैं। तो जो गुच्छे में जो लीव्स होती हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स, और जो सिंगल एक एक लीव्स मिलती है उनको हम कहते हैं सिंपल लीव्स, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें नीचे नेक्स्ट इसमें समझाया गया है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, यानी कि जो इनके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते, यानी कि फ्रीली वो कहीं भी ऐसे मूव करते हुए नहीं नज़र आते हैं, फ्रीली इनका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता है। और साथ ही साथ इनके जो अंदर जो पॉलिनेशन होता है यानी कि जो निषेचन होता है, निषेचन की जो क्रिया होती है यानी कि जो निषेचन जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है या पॉलिनेशन प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजेशन नहीं पॉलिनेशन प्रोसेस जो है, वो पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो एयर के थ्रू होता है, ठीक है, एयर के थ्रू होगा। अब जैसे मेल और फीमेल पार्ट मिले तो क्या बनेगा उसमें, उससे जायगोट बनेगा, जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो से ओव्यूल बनेगा और ओव्यूल एम्ब्रियो से ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो किसके अंदर होते हैं, सीड के अंदर, है ना, उसके अंदर ओव्यूल उससे बन जाएंगे, और ओव्यूल कहाँ रहते हैं, सीड के अंदर। और साथ ही साथ जो इनके सीड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सीड कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी कि रैप्ड नहीं होते हैं, मतलब कवर अप नहीं होते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोकोनट है, कोकोनट का, कोकोनट में हम क्या खाते हैं, सीड को खाते हैं, तो वो जो कोकोनट है वो किसी से भी रैप नहीं होता। आप कहेंगे कि उसमें हेयर होते हैं, तो वो हेयर वाला स्ट्रक्चर हम उसको नहीं मानते, उसके उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हम जो उसमें खा रहे हैं वो सीड को खा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सीड है वो किसी से भी कवर अप नहीं होता, नेकेड होता है, खराब जो जिसके ऊपर कोई आउटर कवरिंग ना हो उसको हम कहते हैं नेकेड, ठीक है। इनके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पाइनस है, साइकस है, सिड्रस है, जिंको है, एक्सेट्रा। और कोकोनट भी जिम्नोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट कोकोनट भी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज हम इतना ही आपको समझाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ओके, थैंक यू।